देखु आज आम जिलापाल सम्मेलन पक्ष गोटमुंडा जो कलाहांडी जिलार जो पंचायत जो आम जिलार किसी लोक जो जा बसवास करते दीर्घ 20 वर्ष तापर जो समस्या उपजी से कि लोक आईन को हाथ को लेकर बाड़िया पिटा करते घर द्वार भांगी थे से परिप्रेक्षी में मुझे जिलापाल कलाहांडी को अनुरोध करी और उपजिलापाल धरमगढ़ एवं सेठिकार कोक्सरार जो आईएसी और वनखंड अधिकारी समस्त को से प्रेरण करते आईपरिप्रेक्षी आज जो नीतिगत निष्पत्ति कि ग्रामवासी आसी जो मैंने विक्टिम से आसी दुख एवं अभिमान से प्रकाश करुले विस्तृत आलोचना पर निष्पत्ति से गोटमुंडा से जो जगह को फेरबे कलाहांडी जिला प्रशासन तरफ संपूर्ण एश्योरेंस दि जाइए पुलिस प्रशासन तरफ कौन प्रकार आंच आसो ना जो मैंने आईन को हाथ को नहीं थे किसी असुविधा करते से विरुद्ध में विहित कार्यानुष्ठान ग्रहण इनक्वारी एवं तत्संगे संगे जो मैंने एलिजिबल अच्छा जो मैंने होमस्टेडलेस भूमिहीन बासगृहहीन से जेहेतु झरीगाँर कुहुड़ी एवं अन्य किसी पंचायत से जाते जदि से एलिजिबल हे आम कि घरडीहपी व्यवस्था करवर्ती पर्यायर और जदि से एलिजिबल जदि फेरती तेल प्रधानमंत्री आवास योजन ग्राम सभा निष्पत्ति गला से गुड़ाक देवार व्यवस्था करा जीवो सो मोटामोटी आज जो आलोचना है सो गोटे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है सब कलेक्टर धरमगढ़ और जो मैंने प्रशासनिक अधिकारी मैंने आसते से मैंने फुल एश्योरेंस देते कौन असुविधा हेना पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन विहित पदक्षेप ने आम तो निर्देश देवानी दे विल इन्वेस्टिगेट एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। नवरंगपुर जिलार अधिवासी एवं आदिवासी माने कलाहांडी साजखोल जंगल भितर रहीकि निजर जीवन जीविका एवं गुजरण मेटाऊ से जो अतर्कित भाव आक्रमण करी तोड़ी दिया जाइला से उद्देश्य आज कलाहांडी जिला प्रशासन कलाहांडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एवं कलाहांडी पुलिस प्रशासन नवरंगपुर जिला प्रशासन पुलिस डिपार्टमेंट एवं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विस्तृत भाव आलोचना है विक्टिम फैमिली माने मध्य सेठार उपस्थित थिले एवं आलोचना रे स्टेटस को मेंटेन करिया पाई निष्पत्ति निया गला एवं उभय प्रशासन प्रतिश्रुति देइचंती से मानको सुरक्षा एवं से मानकर जीवन जीविका किपरि भाव से माने गुजरण करिवे एवं से मानको समस्त प्रकार सुविधा से जगह रहबा को दिया जिवो एवं भविष्यत रे यदि कोन से अनैतिक परिस्थिति सृष्टि हुए ताले नवरंगपुर जिले में थैथान करने गोटे विधिवध निष्पत्ति उभय प्रशासन आम लोक सुरक्षापी ग्यारंटी दे मुख्य अभियुक्त जो दाबी रही गिरफ्तार से पुलिस एसडीपीओ जी आसते कड़ा तागिद कर जिला मजिस्ट्रेट नवरंगपुर कड़ा तागिद कर इनह्यूमेन कार्य पूर्वर के देखा जाए ना जोपर भाव से आक्रमण कर ह्यूमेन राइट्र सीधा डायरेक्शन आसी दृढ़ कार्यानुषान नापी और आम दाबी जनईचु तुरंत जो मैंने आक्रमण कर संघबद्ध भाव में विभिन्न प्रकार अत्याचार कर तुरंत गिरफ्त करी विरुद्ध दृढ़ कार्यानुषान ग्रहण करान गले आगामी दिन में परिस्थिति खराब हबार सूचना आम दे जेकोसी व्यक्ति विशेष हूँ जेकोसी व्यक्ति विशेष हूँ सी तर संघबद्ध भाव में आक्रमण करवा बेआईन अटे से जोपर भाव में आम नवरंगपुर जिलावासी को 40टा परिवार को से आक्रमण करी सर्वस्व लुटी नहीं जाती ये अक्षमणीय अपराध एवं आईन रो दंड विधान अनुसार तुरंत गिरफ्त करी कोर्ट चालान करा जाओ एवं विरुद्ध में समस्त प्रकार मकदमा लग जाओ। तो आम झरीगाँ अंचल नवरंगपुर जिला मूल निवासी माने सर्वहरा परिवार पाखापाखि 40 परिवार साजखोल जंगल 20 वर्ष रहुथिले किंतु दुखर विषय गत 30 तारीख दिन गोतमुड़ा अंचल किसी युवक जंगल सुरक्षा समिति नाँ जंगल विभाग कर्मचारी मान उपस्थित अतर्कित भाव आक्रमण कले आज की पाखापाखि 29 दिन हो जाए पुलिस कौन पदक्षेप ग्रहण करनी किंतु लोकों पाखे कौन न्याय मिले ना से आज 11 दिन हम से अनशन में बस खबर पाला जिला प्रशासन उभय जिला प्रशासन समस्त पीड़ित परिवार को डाकिक वरिष्ठ नेतृमंडल उपस्थित दृढ़ प्रतिश्रुति देती से भिटामाटी को फेरबे और भविष्य में नवरंगपुर जिले में थैथान कर जो अभियुक्त रही मुख्य अभियुक्त रही तुरंत गिरफ्तार करने पुलिस प्रशासन दृढ़ प्रतिश्रुति जदि प्रशासन दुईटे जिलार प्रशासन
ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲାର ସୂତ୍ରପାତ ହେବ ଏବଂ ଆଦିବାସୀମାନେ ବନବାସୀମାନେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବେ, ସେଟା ପାଇଁ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ 40 ପରିବାର କେଉଁଠି ରହିବେ, ସେ ଯେଉଁ ସାହାଜଫଲ ଜଙ୍ଗଲ ଦୁଇଟା ଗାଁ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ ରହିଥିଲା ସେଇଠି ରହିବେ ନା କ'ଣ? ହଁ ହଁ, ସେମାନେ ଡୁମେରପାଣି ଏବଂ ଭତ୍ତାପାଣିରେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଘରେ ରହିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ରେଡ଼କ୍ରସରୁ କିଛି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରିଭିନ୍ୟୁ ଇଲାକାରେ ତାଙ୍କୁ ସେଟେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପୁରା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, ହେମନ୍ତ ମାଝୀ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ତ ତାଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହିକରି ଯେଉଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି। ବାବୁ ମନ ଆର୍ କାଏ ବୋଲେ ତ ଦୁନୁ ଜାଗାର, ଏଇ କଲାହାଣ୍ଡି ଜାଗାର, ଏଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜାଗାର ତ ବାବୁ ମନ ବସିରଲେ, ସେ ତମକେ ଗର୍ ଦେବୁ, ଚୁଆଁ ଦେବୁ, ସେ ଆଗ ତୁରେଲା ସେ ସାଜ କର ଜାଗାରେ ଜୁନା ଗର୍ ତାନି ଯା, ସେ ତାନି ଠିନା ଦେବୁ ବୋଲେ ତାନି ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଦାବି ଆମକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ପାଞ୍ଚଟା ଦାବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆମକେ ଗୋଟେ ଦାବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଇଁ ହେଲା, ସେ ଜଣେ ଆମକେ ଅପକାଶ କରଲା ଯେ ମାର ଦର କରଲା ଯେ ତାକେ ବାନ୍ଧି ନେଅ, ତା ଗିରଫ କର, ଏଇଟା ତ କରବୁ ବୋଲି ଲାଗିବେ, ଆରେ ଦାବି ଦେବୁ।